मरने वालों बच्चों की तादाद 112 तक जा पहुंची है। 400 से ज्यादा बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और वहीं 14 और डॉक्टरों की टीम मुजफ्फरपुर भेजने के आदेश दिए गए हैं। पटना और दरभंगा से डॉक्टरों की टीम को वहां के लिए रवाना किया गया है। इससे पहले बता दें कि दिल्ली से एम्स की डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद है जो कि इलाज कर रहे हैं, लेकिन हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। आंकड़ा 112 तक पहुंचा है, 400 बच्चे अभी भी अस्पतालों में मौजूद है। तो चांद के पार लेकिन चमकी से लाचार, रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, भूल जाइए कि मंत्री दौरे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां पर आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री वहां पर आ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि इसका कुछ असर हो रहा है, क्योंकि आंकड़ा तो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब क्या वजह सामने निकल कर आ रही है, आखिर अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया है? नवजोत, देखिए बड़े बड़े नेताओं ने दौरा कर लिया है एसकेएमसीएच अस्पताल का मुजफ्फरपुर में, हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे, मंगल पांडे और कल खुद नीतीश कुमार। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, शायद इसीलिए क्योंकि हालात इतने बद से बदतर है इस अस्पताल के, यहाँ पर इतनी कमियां हैं कि एक दिन में मुख्यमंत्री आएंगे तो रातों रात कुछ ठीक होने वाला नहीं है। डॉक्टरों की कमी वैसी ही है, बेड की कमी वैसे ही है। बेड की आपको मैं बता दूं, सिर्फ 600 बेड का ये अस्पताल है, लेकिन 900 मरीज यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, यानी कि आप समझ दीजिए। जब मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने ये बात देखी थी, क्योंकि तस्वीरों में तो रोहित हम भी लगातार यही दिखा रहे हैं, हम भी यही दिखा रहे हैं। कल जब मुख्यमंत्री आए थे क्या उन्होंने तस्वीर देखी? देखिए जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो आप वहां से भेज रहे हैं, वो भी यही है कि बच्चे एक बेड पर 2 से 3 बच्चे हैं, फिर नीचे भी कई बच्चे हैं, कई माएं अपने बच्चों को लेकर जमीन पर इंतजार कर रही है डॉक्टरों का। जी बिल्कुल, स्थिति कितनी खराब है कल नीतीश कुमार ने अपनी आंखों से देख लिया। और हम लोगों ने कल मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की, हमने पूछा कि नीतीश जी ने पूरे हालात देखे, तो उन्होंने कहा हाँ, नीतीश कुमार ने कहा, खुद कहा कि हालात यहाँ के बड़े विषम है, यानी कि बहुत बदतर हालात है और हालात को सुधारने की जरूरत है। लेकिन आप भी मान लीजिए कि रातों रात हालात नहीं सुधरेंगे। आदेश दिया गया कि 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाएगा यहाँ पर, तो ये कब होगा? ये रातों रात तो होगा नहीं, ये अगले साल होगा, 2 साल 3 साल में होगा। हर्षवर्धन ने 2014 में आदेश दिया था कि 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाएगा, 5 साल हो गए हैं, वो हॉस्पिटल बन के अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि सरकारी तंत्र किस तरीके से काम करता है, और ऐसे में डॉक्टरों की कमी है, बेड की कमी है, तो इसी वजह से आप देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। और अब इन लोगों ने फैसला किया है कि बाहर से डॉक्टर भेजे जाएंगे, पटना से भेजे जाएंगे, दिल्ली से भेजे जाएंगे, दरभंगा से भेजे जाएंगे। तो भाई 112 मौत का इंतजार कर रहे थे कि आप जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर, उनको भेजा जाए। डॉक्टरों की जो है वहां बहाली क्यों नहीं की गई, वहां डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया गया, ये सब बड़े सवाल हैं। बिल्कुल रोहित, आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। और जिस तरीके से आदेश दे दिए जाते हैं, कहा जाता है कि 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलता है, और नतीजा देख लीजिए आपके सामने। और जिस देश में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पर हाहाकार ना मचे, जिस देश में मर्ज को लेकर भी अमीरी और गरीबी का फर्क हो, और जिस देश की सरकारें मासूमों की मौत पर भी टस से मस ना हो, वो देश हिंदुस्तान है। एक तरफ हम चांद फतेह करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी मुल्क में देख लीजिए गरीबों के बच्चे किस तरीके से बिना इलाज के मर रहे हैं। चांद पर जाने की जिद ऐसी थी कि सालों साल की चढ़ाई के बाद आखिरकार हम पहुंच ही गए, और अब तो दोबारा चांद पर उतरने की तैयारी है। लेकिन अमीरों और गरीबों में बटे इस देश के सारे बच्चे अंतरिक्ष यान पर बैठकर चंदा मामा तक नहीं जा सकते, इसलिए सरकार ने गरीब बच्चों को चांद पर भेजने का अलग हाईवे खोल दिया है। गरीबों के ये बच्चे भी चांद पर जाने का ख्वाब पाले हुए थे। सरकार कह रही थी कि बजट नहीं है, अमीरों में खर्च हो गया, अपने सपने छोटे कर लो, पर बच्चों को बजट कहां समझ आता है, जिद पर अड़े थे। तो सरकार ने भी एक शॉर्टकट हाईवे बना ही दिया, बच्चों की जिद भी पूरी हो गई, और चांद देखने जा रहे अमीरों की नफासत में इन गरीबों की वजह से शिकन भी नहीं आई। आंखें बंद, ढीला बदन और सुस्त सांसों के साथ ये गरीब बच्चे चांद के सफर पर निकल पड़े हैं। अब तक 100 से ज्यादा रवाना हो चुके हैं, बाकी का नंबर भी जल्द आने वाला है। ये बातें मजाक लग सकती हैं, तमाशा लग सकती हैं, बेशर्मी भी लग सकती हैं, बेहयाई भी लग सकती हैं, आप जो समझना चाहें वो लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए सच यही है, 100 से ज्यादा बच्चों की मौत इस देश में मजाक
तमाशा, बेशर्मी और बेहयाई के आगे छोटी पड़ गई है। क्यों? इसलिए क्योंकि मरने वाले बच्चे बेहद गरीब परिवारों के हैं और गरीबी इस देश की वो बीमारी है जिसे लाइलाज बनाकर रखा गया है। क्योंकि अगर ये बच्चे गरीब परिवारों के ना होते तो अव्वल तो इस बीमारी की चपेट में ही ना आते, और खुदा ना खास्ता आ भी जाते तो इनका परिवार पैसे लुटा कर जैसे तैसे इन्हें बचा ही लेता। सरकारी मेहरबानी पर इनकी चांद की टिकट ना कटती। हम आपको दिखाते हैं इस अस्पताल में बच्चों की हालत क्या है। इन बिस्तरों पर, एक एक बेड पर कई सारे बच्चे पड़े हुए हैं। किस तरह से माएं उनके सिर पर ठंडा कपड़ा, पानी का गीला डाल डालकर बुखार उतारने की कोशिश कर रही हैं। अस्पताल की हालत यह है कि बीच में बेड्स के जगह नहीं है, गंदगी का आलम है। कोई यहाँ पर ना इंतजाम है, ना तैयारी है, और हर कोई बस भगवान भरोसे छोड़ा गया है। सवाल नीतीश कुमार के सामने ये भी है कि 4 लाख मरने के बाद तो वो मुआवजे का ऐलान कर देते हैं, लेकिन मालिक अगर जरा सी भी संवेदना है तो इंतजाम कीजिए। क्या जिंदगी का यही सम्मान है इस देश में? हम आपको मरने वाले एक एक बच्चे के घर लेकर चलेंगे और ये साबित कर देंगे कि मुजफ्फरपुर में बच्चों की असल कातिल कोई रहस्यमय बीमारी नहीं बल्कि गरीबी है। वो गरीबी जो इन्हें पेट भर खाने नहीं देती, वो गरीबी जो इनके घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचने नहीं देती, वो गरीबी जो इन्हें झुलसती दोपहरियों में नंगे पांव भटकने को मजबूर करती है। सबसे पहले चलिए मुजफ्फरपुर के दरियापुर गांव, घास फूस के इस घर में। कुछ दिनों पहले तक मासूम निधि चहकती थी, 13 जून को उसकी तबीयत बिगड़ी और उसी दिन उसने दम तोड़ दिया। पानी जैसा उल्टी किया और दूसरे आँख उख चिलमिलाने लगा। हम बोले कोथी हो गई तंकाउ तो है, कोथी हमरा लड़का के हो गई लक दौड़े दाऊ तो अलथिन तो हम बोले से कोथे तो मैडम जी आंगनबाड़ी के आया तो लेके कांटे चल गए जोड़े वही बे हुआ गया तो तंगा ठीक हो गया। अब फिर उसको बाद हॉस्पिटल मेडिकल भेज दिए, हुआ वो ठीक था। अब कोथी के सुइया पड़ गया उसका से तुरंते में उनको प्राण एकदम भाग गया। मुजफ्फरपुर के ही मिठनपुरा गांव की अफसाना खातून की 5 साल की बेटी सुहानी के नाम पर बस ये आधार कार्ड ही बचा है। अफसाना को समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी बच्ची के साथ हुआ क्या। मासूम के शरीर पर अचानक जाने कैसी थरथराहट चढ़ी और देखते ही देखते वो दुनिया छोड़ गई। न बच्चा के हुआ, बीने पर उठा बच्चा, एगो बिस्कुट भी खाया, बिस्कुट खा के अब बस एक बार 3 बार थरथराया बच्चा के, बस सुस बच्चा दम बेहोश, आंख नहीं खुलता था बच्चा, कितनों भी आंख बच्चा के खोले पूरा जुट गया आदमी से जुट के कहा कि जल्दी लेके भागिए, लेके भागे, बच्चा के भर्ती भी हो गया 10 बजे रात के, बच्चा भी दम टूट गया। इस बस्ती में कई परिवारों में छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें इस बीमारी की तो खबर नहीं लेकिन अपने माँ बाप की आंखों में मौत का खौफ ये पहचानते हैं और वो खौफ इनके चेहरों पर भी शीशे की तरह झलक रहा है। बच्चा को तो कहा चिमकी बीमारी था, सुई सब डाला है, खून उन निकाला है, वही हम हॉस्पिटल में गए थे तो वही देखे आती, फिर चला है वहाँ पर छोड़ छाड़ के, देखा इलाज चल रहा है, अब ठीक हो गया है, वहाँ से फिर आ जाएगा। मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में स्पेशल कवरेज के दौरान आज तक की टीम का सामना भी एक मासूम की लाश से हुआ। 3 साल की सुगनी कुमारी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 साल की बच्ची। आप अस्पताल के बाहर लगातार कवरेज कर रहे हैं तभी खबर आती है कि यहाँ पर एक बच्ची की मौत हो गई है। दौड़ते आप पहुँचते हैं, रोती बिलखती एक रिश्तेदार बच्चे को गोद में लिए हुए मृत अवस्था में, क्योंकि अस्पताल में आते ही उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई और उसकी माँ रो रो कर यहाँ पर बिलख रही है, उसकी ये हालत है। हमारा निया कैसे भोग ले यारे बाबा, जितनी लाशें उतनी कहानियां, लेकिन गरीबी और बेबसी की कहानियां सुनने में
सरकारों को दिलचस्पी होती तो ये बीमारी कब की छू हो गई होती। सरकार की दिलचस्पी तो चांद में है और चांद के सफर में। अंजना ओम कश्यप और सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। मुजफ्फरपुर में मौत के मुंह में समाते जा रहे बच्चों का आंकड़ा 109 तक जा पहुंचा है, लेकिन अभी तक न तो सरकार और न ही डॉक्टर ये तय कर पाए कि बीमारी कौन सी है। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में इसे चमकी कहा जा रहा है, लेकिन सरकारें शायद उनको फुर्सत नहीं है कि बीमारी की असली वजह और असली इलाज ढूंढा जाए। हर आदमी अपना अपना अलग राय दे रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इसमें थोड़ा सा 4G पे अगर हम लोग कॉन्शस करें तो उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पहला जी फॉर गांव, जी फॉर गर्मी, जी फॉर गरीबी और जी फॉर गंदगी, कहीं ना कहीं इससे ये बीमारी का ताल्लुक है। कई दशकों में जो काम सरकारी नहीं कर पाई, वैज्ञानिकों की टीम जिस सवाल को नहीं सुलझा पाई, वो सांसद जी ने एक मिनट में सुलझा दिया। जो रहस्यमय बीमारी मुजफ्फरपुर में बच्चों का काल बन रही है, उसकी जड़ इसी 4G फॉर्मूले में है जो सांसद जी ने संसद भवन में खड़े खड़े गढ़ डाला। अभी तो शुरुआत है, ऐसे कई फॉर्मूले और थ्योरियां सामने आएंगी और सरकारी संवेदनहीनता के नए नए कीर्तिमान गढ़ेंगी। पिछले कई साल से, कोई एक दो साल नहीं, कई साल से वहाँ बच्चे बीमार होते हैं और उसकी मरने की संख्या बहुत हो जाती है। लेकिन होता है इसमें सरकार व्यवस्था भी करती, सब कुछ करती, यदि बारिश एकाएक शुरू हो जाए मुजफ्फरपुर में तो बिल्कुल रुक जाएगा। यह पूर्व का जो हुआ है उसी का आधार पर हम कहते हैं। अभी तक बच्चों की मौत लीची पर मरने वाली मेडिकल जमात ने भी अचानक से अपनी शोध का मुंह मोड़ दिया है। अब गर्मी, धूप और उमस में मौत के वायरस तलाश लिए गए हैं। डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी जी, मुझे बताया गया है कि आप इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। मेरे पास वही बुनियादी सवाल है जो आम व्यक्ति भी टीवी पर देखकर पूछ रहा है, जो अखबार में हर जगह छप रहा है। मुझे एक तो ये बताइए कि आज तक कोई भी रिसर्च सार्थक तरीके से क्यों नहीं हो पाई, जिसमें ये पता चले कि ये बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है, किन वजहों से हो रही है। ये बेसिकली हीट स्ट्रोक का मामला है। जब ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर यहाँ मुजफ्फरपुर एंड एडजॉइनिंग एरिया में 38-40 डिग्री प्लस ह्यूमिडिटी मोर देन 60-70% आती है, तब इसका आउटब्रेक शुरू होता है और हीट स्ट्रोक में कोई पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं मिलती है। सवाल उठता है कि अगर ये नई रिसर्च सही है तो फिर बीमारी का दायरा सीमित क्यों है? लू लगने से बच्चों की मौत हो रही है तो शहरी इलाकों में असर क्यों नहीं है? सिर्फ ग्रामीण और गरीब तबके के बच्चे इसका शिकार क्यों बन रहे हैं? उमस का स्तर गाँव से ज्यादा शहरों में है तो फिर वहाँ इसका असर क्यों नहीं? क्या ये मुमकिन है कि लू लगने से इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हो जाए? अगर लू लगने वाली बात सही है तो राजस्थान, हरियाणा जैसे गर्म प्रदेशों में ये नौबत क्यों नहीं आई? बच्चे यहाँ ठीक होके भी जा रहे हैं, बच्चे यहाँ 2 घंटे में ठीक होके भी गए हैं। सामान्य है 4 बच्चों का एक दिन मरना, ये हो सकता है। हीट स्ट्रोक में इन अमेरिका देयर इज 80% मोर्टलिटी, यू कैन गो थ्रू द लिटरेचर इन अमेरिका। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री जो मोर्टलिटी ऑफ हीट स्ट्रोक इज अबाउट 80%। शोध और तुक्केबाजी के इसी मंजर में करीब 20 दिन बाद मंगलवार सुबह सुबह जब नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल पहुंचे तो बच्चों के माँ बाप को उम्मीद थी कि उनके नौनिहालों के साथ हवा में तीर की तरह हो रहे इलाज का कुछ इलाज होगा, दवाएं मिलेंगी, अस्पताल की सेहत सुधरेगी। लेकिन CM साहब की पर्देदारी देखकर लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लोग नारे लगाते रहे और नीतीश अस्पताल प्रशासन के पीठ थपथपाकर आराम से निकल गए। बेबसी और खींच के इस माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक शख्स ने मुकदमा कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ पहले ही मुकदमा दायर है। आज हमने CGM कोर्ट में परिवाद दायर किया है इन लोगों के विरुद्ध। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, मंत्री मंगल पांडे, हर्षवर्धन जी, अश्विनी कुमार चौबे। बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। 2 वकीलों ने जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि बीमारी से प्रभावित इलाकों में केंद्र और बिहार सरकार को 500 ICU बनाने का निर्देश दिया जाए।
प्रभावित इलाकों में मेडिकल एक्सपर्ट टीम भेजने के निर्देश दिए जाएं, 100 मोबाइल आईसीयू मुजफ्फरपुर भेजे जाएं, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। मुश्किल ये है कि जब तक कोर्ट में सुनवाई होगी और कोई आदेश निकलेगा तब तक कई और बच्चे दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे। चंद दिनों में मॉनसून आने के बाद बीमारी खुद ब खुद गायब हो जाएगी। उसी के साथ सरकार, डॉक्टर और प्रशासन भी हाथ पर हाथ धर लेंगे, जब तक कि अगले साल मौत का ये सिलसिला दोबारा शुरू नहीं होता। अंजना ओम कश्यप और सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। मुजफ्फरपुर में फैली बीमारी में लीची का हाथ होने का भी दावा है। बीमारी की अटकलों से लीची किसानों की जिंदगी में कैसी हलचल मची हुई है, देखिए लीची के बागान से ये ग्राउंड रिपोर्ट। जिस लाल सुर्ख लीची के लिए मुजफ्फरपुर की देश भर में पहचान थी, वही लीची अब दहशत का दूसरा नाम बनती जा रही है। कुछ रिसर्च में ये दावा किया गया कि मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत की वजह लीची है। ऐसी अटकलबाजियों के बीच आज तक की टीम मुजफ्फरपुर के एक लीची बागान में पहुंची। लीची का मौसम चरम पर है और बागानों में हलचल तेज है। मुजफ्फरपुर अपने शाही लीची के लिए भी मशहूर है। हालांकि ये लीची जो है ये काफी मिठास लिए लीची है और देश विदेश में इसकी काफी मांग है। हम जिस बागान में मौजूद है मुजफ्फरपुर के, आप देख लीजिए यहाँ पर पैकिंग का काम चल रहा है। लीची को तोड़ा गया है और इसे ताज़ा ही पैक किया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं इसमें इस काम में लगी हुई हैं, जो कि ये बाहर भेजती हैं। इस बगान में इस तरह के हजारों बगान होंगे यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, जहाँ से रोज इसी तरह से भेजा जाता है लीची को। लेकिन लीची मिठास लिए हुए है तो कुछ इसके हिस्से में बदनामी भी है। ए ई एस जो बीमारी, चिमकी बीमारी जिसे कहते हैं, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि लीची की वजह से हो सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से इसको दावा नहीं किया जा सकता। महिलाओं, बच्चों समेत किसानों का पूरा परिवार बागानों में है। लीची तोड़ने से लेकर इसकी पैकिंग करने और बाजार भेजने तक के लिए दिन रात की मेहनत करनी होती है। लेकिन इन दिनों बाजार की हालत खस्ता है। बच्चों की मौत से लीची को जोड़े जाने से मांग ठप हो गई। किसानों का कहना है कि उनका लाखों का माल कौड़ियों के दाम हो गया। नहीं सर, ये गर्मी की वजह से हो रही है। बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से हो रही है। किसान ये मानने को तैयार नहीं कि जिस फसल के दम पर वो दशकों से अपना परिवार पालते आ रहे हैं, वो किसी की जान ले सकती है। सुजीत कुमार झा, मुजफ्फरपुर आज तक। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।